नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट खाना हर माँ के लिए जरूरी होता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तो यदि आप अपनी सेहत को और अपने बच्चे की सेहत को एकदम बढ़िया रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो, तो ऐसे में आपको कुछ फ्रूट्स, खास करके जिस फ्रूट्स, 7 फ्रूट्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन फ्रूट्स को जरूर खाएं, ताकि ऐसा करने से आपको भरपूर पोषण मिल सके और बच्चे का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से हो सके। तो सबसे पहले फ्रूट होता है प्रेगनेंसी में आपको खाना चाहिए, वो होता है ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरे में फोलेट होता है, फोलिक एसिड होता है और विटामिन सी पाया जाता है। ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें कि जो फोलेट पाया जाता है संतरे के अंदर, वो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी होता है और बच्चे में जन्मजात दोष होने की संभावना को कम करता है। संतरे से आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलता है, जिससे कि आपकी शरीर में पानी की कमी दूर होती है। तो संतरे के जूस का सेवन कर सकती हैं। यदि आपको कब्ज रहती है तो संतरे में पाया जाने वाला फाइबर जो होता है वो कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। अगला जो फ्रूट है आपको खाना चाहिए वो है मैंगो यानी कि आम। आम का सेवन आपको विटामिन सी देता है, विटामिन ए देता है, जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए, उसकी आंखों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आपको एक मध्यम आकार का आम रोजाना खाने की हम सलाह देते हैं, और यदि आपको सूट करता है तो आप निश्चित तौर पर आम का सेवन करें, और ऐसा करने से प्रेगनेंसी में जो रिस्क होती हैं, जो आगे चलकर आपको झेलनी पड़ सकती हैं, उसकी समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम या अन्य रोग होने का खतरा कम रहता है। अगला जो फ्रूट है जो आपको प्रेगनेंसी में खाना चाहिए वो होता है एवोकाडो। एवोकाडो में फोलेट पाया जाता है, इसके अलावा बहुत ज़रूरी विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कॉलिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम का यह समृद्ध स्रोत होता है। तो ये सभी जो पोषक तत्व हैं आपको प्रेगनेंसी में स्वस्थ रहने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम जो पाया जाता है एवोकाडो में, वो आपको प्रेगनेंसी में टांग पर नस चढ़ने की समस्या बहुत अधिक रहती है, तो यह पोटेशियम की कमी के कारण होती है। तो एवोकाडो खाने से आपको यह समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कोलिन जो होता है एवोकाडो में जो पाया जाता है, वो बच्चे के सही दिमागी विकास में अहम भूमिका निभाता है, तो आपको एवोकाडो ज़रूर खाना चाहिए। इसी में आप नींबू पानी का भी सेवन कीजिए। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ऐसा हो सके तो परहेज रखें, और प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में नींबू पानी का सेवन आप करते हैं तो अच्छी मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है, और जो कि आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा नींबू पानी पीने से आपको हाइड्रेशन मिलता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती। नौजिया, वोमिटिंग जो होती है, उल्टी या जी मिचलाने की समस्या से आपको राहत मिलती है, कब्ज की समस्या से राहत मिलती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है और अनावश्यक रूप से वजन का बढ़ना की समस्या दूर होती है। तो नींबू पानी का सेवन आप कीजिए, या नींबू को सलाद या फ्रूट चाट के अंदर मिला करके उसके रस को उसका सेवन कीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। कर आपको प्रेगनेंसी में दिन में 2 केले या अच्छे से पके हुए केले खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आपको अच्छा फाइबर मिलेगा जो कि आपको कब्ज नहीं होने देगा, आपको विटामिन B6, विटामिन सी और अच्छी मात्रा में फाइबर प्राप्त होगा। तो केला जो है आपको जी मिचलाना, उल्टी होना, कब्ज की समस्या प्रेगनेंसी में जो चलती रहती है उससे राहत दिलाने में मदद करते हैं, और केले में बहुत अच्छा पोषण पाया जाता है। इसी कारण केले को व्रत आदि में खाया जाता है, क्योंकि यह कंप्लीट फूड होता है, इसमें बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। केले का सेवन रोजाना कीजिए, दिन में 2 केले सुबह शाम खाइए, हो सके तो दूध के साथ आप ले सकते हैं। ऐसा करना आपको स्वस्थ रखेगा, शक्तिमान बनाए रखेगा और बच्चे को भी स्वस्थ बनाने में मदद करेगा।
दोस्तों, बेरीज से आपको विटामिन सी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फोलेट और फाइबर मिलता है। बेरीज आप ब्लू बेरीज खा सकती हैं, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक बेरीज या यहाँ तक कि गोजी बेरीज जो आती हैं उनका भी आप सेवन कर सकती हैं, जो कि आपको सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाए। उन बेरीज का आप सेवन करें, और यदि आपके खेत में या बगीचे में उगती हैं तो उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेरीज खाना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है। तो सेब का सेवन करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, पैकेटिन पाया जाता है। पैकेटिन जो होता है प्रीबायोटिक होता है, जो कि आपके पेट की सेहत को, पाचन को अच्छा रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपको भरपूर मात्रा में आयरन और दूसरे पोषक तत्व देता है सेब, और ऐसे में खून की कमी नहीं होती और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहता है। उसे भी खून अधिक रहेगा जब आपके शरीर में, तो बच्चे को भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त होगा, जिससे कि बच्चे का विकास और वृद्धि सही से होंगे। बात आती है कि फ्रूट्स कितने खाएं। जैसा कि हमने बताया कि केला आप दो खाएं, संतरा एक या दो खा सकते हैं दिन के अंदर, उसी प्रकार से आप आम एक मध्यम आकार का खा सकते हैं, एक सेब खा सकते हैं। अब इतना झंझट कौन करे, तो सबको आधा आधा, एक केला, आधा आम और संतरा आप उसके कुछ पालियां डालें, और इसके अलावा अनार मिला लें, और दूसरे जो फ्रूट्स हैं जो हमने बताए वो डालकर फ्रूट चाट तैयार कर लें। उसके ऊपर नींबू, हल्का सा काला नमक वगैरह डाल करके आप उसका आनंद लें। ऐसा करने से आपको एक समय में सभी फ्रूट्स के पोषक तत्व मिल जाएंगे, और फ्रूट चाट खाना सबसे अच्छा उपाय है। और जब भी आपको मौका मिले तो जूस बनाकर आप पी सकती हैं। जिस भी जूस पीने का आपका मन करे तो आप जूस बनाकर पीजिए, और ज़्यादा अच्छा तो फ्रूट्स को सही से खाना होता है चबा करके, ताकि आपको अच्छी मात्रा में फाइबर प्राप्त हो, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या ना हो, शरीर की सफाई हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्राप्त हो सके। दोस्तों, बहनों, जो हमने आपको फ्रूट्स के नाम बताए, उन फ्रूट्स का आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स टॉप लेवल के फ्रूट्स होते हैं, प्रेगनेंसी में खाने योग्य फ्रूट्स होते हैं। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो इन फ्रूट्स को लेकर के, तो हमसे आप पूछें, हमारे डाइटिशियन इसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।